HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। ईडी की घेराबंदी के कारण झारखंड के राजनेताओं और नौकरशाहों की नींद उड़ गई है। ईडी एक के बाद एक खुलासे कर रही है जिसमें नए नए राज सामने आ रहे हैं। झारखंड में ईडी की घेराबंदी से नौकरशाहों और राजनेताओं की नींद उड़ गई है। राजनेताओं और नौकरशाहों को अब रातों की नींद आती ही नहीं है। कारण साफ है कि ईडी कब उनको घेरे में ले ले ये कहा नहीं जा सकता है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही ईडी की कार्रवाई अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन से लेकर राज्य में ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक पहुंच गई है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए राज्य में कितने की बोली कौन लगाता था, रुपए कहां कहां पहुंचते हैं, कौन कितना लेता है सहित सही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रबंधन निदेशालय लगातार पूछताछ के जरिए हासिल कर रही है। प्रेम प्रकाश से पूछताछ के दौरान ये पता लगाया जा रहा है कि राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच क्या घालमेल है। राजनेताओं और नौकरशाहों का करीबी प्रेम प्रकाश राज्य में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सर्वाधिक सक्रिय रहा है। वह ईडी की घेराबंदी में पिछले तीन दिनों से लगातार ईडी लंबी पूछताछ कर रही है। प्रेम प्रकाश पर ईडी की घेराबंदी ने कई नौकरशाहों और राजनेताओं की नींद उड़ा दी है। उसे सबसे बड़ा राजदार बताया जा रहा है, जिससे ईडी की भूमिका अब स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ईडी को कई अहम जानकारी मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। प्रेम प्रकाश के बहाने ईडी की टीम कुछ बड़ी मछलियों तक पहुँचने की कोशिश में लगी हुई है। प्रेम प्रकाश से पहले ईडी ने कई राजनेताओं और नौकरशाहों के काले धन का निवेश करने के शक में विशाल चौधरी और निशित केसरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की सूत्रों को अगर हम मानते हुए दावा कर सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, करोड़ों रुपए के लेन देन से संबंधित दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके ठिकानों से बरामद हुए हैं। अवैध उत्खनन को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी भी ईडी के रडार पर बताए जा रहे हैं। अवैध उत्खनन के मामले में आखिर कहां कहां पैसा पहुंचता था, अवैध उत्खनन के परिवहन के खिलाफ कितने मामले दर्ज हुए, इसे रोकने के लिए डीटीओ ने क्या कुछ किए थे, ऐसे में ये बड़ा सवाल हो रहा है। इधर रेंजर के पद पर चाईबासा में एक व्यक्ति जो एसीबी के हत्थे चढ़ा है, उसके पास से लगभग 1 करोड़ रुपए बरामद होना भी कहीं ना कहीं ईडी की घेराबंदी को लेकर भी परिणाम बताया जा रहा है। ऐसे में राज्य के नौकरशाहों और राजनेताओं के नींद उड़े हुए हैं और ऐसे में वो बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। फिलहाल वो बेहद ही डरे सा में हैं और इसके नाम पर कई लोग उनके साथ ब्लैकमेलिंग का भी खेल खेल रहे हैं। ब्लैकमेल करके उनसे पैसों की मांगें भी की जा रही हैं। हालांकि अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनेताओं और अधिकारियों के साथ ब्लैकमेलर लगातार ईडी के नाम पर ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं। आने वाले समय में राजनेता और नौकरशाहों के बीच से कौन ईडी की घेराबंदी में पहुंच पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तान।